हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ सम फंडामेंटल कांस्टेंट्स। फंडामेंटल कांस्टेंट में जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहता है। तो फंडामेंटल कांस्टेंट एक तो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी इसका सिंबल है और इसका यूनिट है 6.67 × 10⁻¹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 
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसको पढ़ते हैं हम लोग ट्वेल्थ में, 4π×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। और इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर, भी ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 8.85×10⁻¹2 फैराड पर मीटर लिखा हुआ है, ऐसे में हम लोग कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, इसका वैल्यू 6.63×10⁻¹34 जूल सेकेंड। एटॉमिक मास यूनिट एमयू 1.66×10⁻²⁷ केजी। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन मतलब कि रेस्ट में रहता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास ये होता है। एवोगैड्रो नंबर काफ़ी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रो नंबर, केमिस्ट्री में भी मिलता है आपको, 6.02×10⁻²³ पर मोल। फैराडे कांस्टेंट 9.648×10⁴ कूलम्ब पर मोल। स्टेफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67×10⁻⁸ वाट पर मीटर पर केल्विन के पावर 4। विंस कांस्टेंट बोलते हैं इसको 2.89×10⁻³ मीटर केल्विन। रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097×10⁷ पर मीटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट NTP 22.4 लीटर, और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 22.4×10⁻³ मीटर क्यूब पर मोल। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर भी एक पॉइंट्स आ रहा है आपके पास, जिसको हमने लिखा है की पॉइंट्स में दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ETC देयर अरेंजमेंट थीटा आर डायमेंशनलेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी डायमेंशनलेस होते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ कि डायमेंशंस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स d के पावर n y x के पावर n डायमेंशन ऑफ है ना इंटीग्रल्स, तो सेम ऐसा ही मतलब कि डायमेंशन, अब जैसे कहा है कि कहने का मतलब है कि डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सिंबल दे देंगे और इसको तो लिख देंगे, जैसे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है डायमेंशन के साथ में इंटीग्रेशन, ये डायमेंशन का सिंबल है इंटीग्रेशन। वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, मतलब कि फोर्स को आप वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकते। और कोई पूछे कि फोर्स प्लस वेलोसिटी क्या होगा, तो आपका इसका कोई जवाब नहीं है, जुट ही नहीं सकता है। तो वही कह रहा है कि सेम जो डायमेंशन हो, डिफरेंट जो डायमेंशन होगा उसको आप जोड़ नहीं सकते, फोर्स को फोर्स से आप जोड़ सकते हैं। इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज मे बी टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इनडिपेंडेंट, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता हो उसको भी न्यू सिस्टम में आप फंडामेंटल मान सकते हैं। जैसा कि डायमेंशन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, कहता है कि मान लीजिए कि फोर्स फंडामेंटल है, तो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी के में फोर्स का डायमेंशन लिखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर है कि प्रैक्टिकल फिजिक्स कुछ लिखा हुआ है ऐसे, तो ये आपने सुना होगा रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप सुना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सब सिग्निफिकेंट है। जैसे मैं इसके बारे में अगर लिखूँ सपोज दैट 1 2 3 4 5, तो ये
कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया बच्चों। और वही लिखता है कोई 2, 8, तो ये कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, पहला लाइन का कहने का मतलब यही हुआ, जो पहली लाइन कह रही है उसका मतलब यही हुआ। दूसरी लाइन ये कह रही है कि ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लोकेशन ऑफ डेसिमल डज नॉट मैटर। समझ रहे हैं बात को, बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये होगा। दूसरा कहना ये चाहता है कि ये नॉन जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, ये 8 फिर नॉन जीरो हो गया, तो 2 आपको नॉन जीरो है, 1 और 8 है ना बच्चों, और बीच में 3 जीरो है, तो ये सब सिग्निफिकेंट होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप जीरो रख देते हैं तो ये भी कितना होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कोई कह रहा है कि नहीं भाई हम यहाँ जीरो रख देंगे, तो ये भी कितना होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कहीं भी आप जीरो रखिए, दशमलव रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वहीं लिखा है कि ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लोकेशन ऑफ डेसिमल डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता। यहाँ पर लिख रहा है कि इफ द नंबर इज विदाउट डेसिमल पार्ट, माने कोई नंबर है बिना डेसिमल पार्ट का है, देन द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये कह रहा है बच्चों, इसका मतलब ऐसे हुआ, ये कहना चाहता है कि 1 है और 2 है और 00 है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट हुआ। ई कहना चाहता है कि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दशमलव नहीं है, 1 है, 2 है, 8 है और 0 है, तो कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ये कहना चाहता है क्योंकि यहाँ दशमलव अगर देते ना तो ये 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर दशमलव नहीं देना है, 1, 2, 3, 0, तो 3 सिग्निफिकेंट हो गया, इस लाइन का मतलब हुआ। नेक्स्ट लाइन है, ट्रेलिंग जीरोज इज द डेसिमल पार्ट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब ये हुआ है, कुछ ऐसा है, जैसे मैं कहूँ कि सपोज दैट चौथा देखिएगा, जैसे 1, 2 meter, ये कितना सिग्निफिकेंट हुआ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट। अब कोई कहे कि 1, 2, 00 centimeter, ये कितना सिग्निफिकेंट हुआ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर कोई कहे कि 1, 2, 000 millimeter, ये कितना सिग्निफिकेंट हुआ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट के बदलने से कोई बदलाव नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ओके। लेकिन ऐसे ही कोई अगर ऐसा कहता हो, सपोज दैट कि अगर माने कि इस तरह से है, सपोज दैट कि 1 है, 2 है और 0.00 है, तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, मतलब कि दशमलव के बाद जीरो हो वो काउंट होगा। जैसे 1, 6.0, दिस इज द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये कहना चाहता है ये लाइन। तो आप इसको याद कर जाएंगे, क्योंकि याद करेंगे तभी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट में कह रहा है कि फॉर अ नंबर लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 हो, इसको समझेंगे हम लोग, नंबर लेस देन 1, एनी जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट्स एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा है ये, जैसे कोई 5 नंबर में, जैसे कह लेंगे 0.5 और 0 है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, बस ये कहना चाहता है, दशमलव छोटा सा, तो जितने भी ये है वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे, ओके। यहाँ पर देखेंगे क्या लिख रहा है कि ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन मेजरमेंट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स टुगेदर फ्रॉम द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि यहाँ पर है 0.108, तो ये दशमलव है, दशमलव के बाद जीरो है ना, तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो गया, ओके। यहाँ पर देखिए ये 5 है, अभी इसको बात हम लोग कर चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 40.000, तो ये सब काउंट होंगे, मतलब कि 5 सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पर देखिए
पावर को नहीं हम लोग कंसिडर करेंगे, पावर को हटा देंगे। यहाँ देखिए 1.23, दशमलव के बाद टू अंक है तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 0018 है ना, 0018, तो ई वाला काउंट नहीं होगा। सुनिए बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है, इसका मतलब यहाँ लिखा है ना, उसका मतलब ये लास्ट वाला देखिए, ऑल जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट्स एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो ना है, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो काउंट नहीं होगा। तो कितना सिग्निफिकेंट होगा, 1 और 2, 2 सिग्निफिकेंट पेपर होगा। लेकिन दशमलव के जस्ट बाद का अंक जो होगा वो काउंट होगा, जैसे कि देखिए ये दशमलव के बाद काउंट होगा, ओके, या इसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.10, 8 नहीं होता तो 0.0.10, 8 नहीं होता तो 1, 2, 2 सिग्निफिकेंट हो जाता, ओके। अब एक कॉन्सेप्ट आता है राउंड ऑफ का, राउंडिंग ऑफ में क्या होता है थोड़ा देखिएगा। आपने पढ़ा होगा कि 8 के बाद, जैसे 8 है यहाँ पर 7 है तो 6.87, तो ये जो 7 है ना, 7 वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये राउंडिंग होकर 9 हो जाएगा, मतलब कि 6.8 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि 4 जो है ना वो 5 से कम है, ये 6.8 ही रहेगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो गया कि 6.85 है, जब 5 रहेगा ना 5, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर भी ऑड है और यहाँ पर भी ऑड है, ये समझ रहे बात को, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। याद रखिएगा 5 से बड़ा होना चाहिए, ओनली 5 नहीं, 5 पे भी बढ़ता है, 5 पे भी बढ़ता है, लेकिन 5 पर ये बढ़ गया, 5 पे इसलिए बढ़ गया कि ये वाला वैल्यू क्या है, ऑड है। यहाँ पर देखिए ये है 5, ये 5 सॉरी हाँ ये देखिए यहाँ पर ये इवन है, तो ये बढ़ गया, मतलब कि ये 9 हो गया क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ये लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि ये इवन है और ये 5 से बड़ा है तो ये बढ़ गया। यहाँ पर इवन रहे या ऑड रहे, ये 5 से बड़ा होगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यही बच्चे ज़्यादा याद रखते हैं। एक बच्चा याद रखता है ये वाली बात कि 4 जो है 5 से कम है तो नहीं बढ़ेगा, ये तो सिंपल कंसेप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट ले रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 5 है और ये 8 है, तो देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, लेकिन ये जो 5 है, 5 वो क्या है, ऑड है, ये 5 है, अगर 5 से बड़ा नहीं है तो ये नहीं बढ़ा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 7 होता है तो अब यहाँ पर 8 हो जाता, अभी भी 8 है, मतलब कि 8 से 9 नहीं हुआ, अगर यहाँ 7 होता तो ये 8 हो जाता है। अब यहाँ समझिए, अब देखिए यहाँ पर नहीं बढ़ा, यहाँ पर बढ़ गया, ये समझना है हमको। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो 5 जब हटाए तो 8 ही रह गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है, तो इस 5 को हटाए तो ये 8 हो गया क्योंकि ये ऑड है। जब 5 से इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पर ऑड होना जरूरी है, देख रहे हैं, देखिए जैसे इवन है तो नहीं बढ़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ऑड है तो ये बढ़ गया, समझ गए लॉजिक, ऑड यहाँ रहेगा तो 5 पर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्या हुआ है, 5 से बड़ा है इसीलिए इवन में भी बढ़ गया, ये समझा बच्चों, ओके। एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, मतलब कि पावर में रिप्रेजेंट, जैसे मान कि जैसे 49 है तो उसको लिख सकते हैं ना 4.9 × 10^1, तो ये कितने ऑर्डर का है, 10^1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो गया। यहाँ पर 5 1 है, 5.1 × 10^1, इसको लिख सकते हैं क्या, 10^2, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10^2, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 10^5, ऐसा करके अपना वैल्यू लिख सकते हैं। बहुत कठिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। प्रोपेगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एरर इन समेशन एंड डिफरेंस, जैसे जोड़ में ये हो गया तो डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर इन प्रोडक्ट याद रखिएगा, एरर इन प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल क्वांटिटी कोई एक्स है और वो डिपेंड कर रही है वाई और जेड पर, तो एक्स बराबर क्या होगा, वाई के पावर ए और जेड के पावर बी,
देन द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर इन एक्स जो होगा डेल्टा एक्स बटे ए, अब पावर कहाँ जाएगा यहाँ, और डेल्टा वाई अपन ए प्लस हो जाएगा, पावर कहाँ जाएगा यहाँ, और डेल्टा जेड बटे, चाहे वो डिवीजन में हो चाहे वो मल्टीप्लाइकेशन में हो, सबको हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए एरर इन पावर्स ऑफ द क्वांटिटी सेम उसी तरह से आएगा, ये सेम आएगा, देखिए कैसे एक्स ए के पावर एम और बी के पावर एन, तो क्या लिखेगा यहाँ पर एम कर दीजिए, यहाँ पर एम कर दीजिए और डेल्टा ए बटे ए कर दीजिए, आप प्लस यहाँ पर एन कर दीजिए और डेल्टा बी बटे डी, ये हो गया एक्स को डेल्टा एक्स बटे एक्स हो गया। एक वर्ड है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्केल मिनिमम वैल्यू जब कैलकुलेट करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्केल है तो उसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर तक कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत कम करेंगे तो मिलीमीटर तक कैलकुलेट कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो जो कम से कम कैलकुलेट कर सकता है, तो एक स्केल जो बच्चे स्कूल में लेकर जाते हैं उस स्केल से आप मिनिमम मिलीमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस स्केल का लीस्ट काउंट मिलीमीटर कहलाएगा। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विथ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट कंटिन्यू हम इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।